गुड मॉर्निंग 10th क्लास इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में बेटा हम डिस्कस कर रहे थे सेंसोरी। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे सेंसोरी में संज्ञारण क्या है, कितने हैं और इंडिया में कौन कौन से, इन सब की हम बात कर रहे थे। तो मैं ये कहूंगा कि टोटल 515 सेंसोरी हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया टिल नाउ। 515 सेंचुरी हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, जबकि यदि हम देखें तो नेशनल पार्क है 166 और सेंचुरी है 150। इसमें इंडिया के अंदर कौन कौन सी उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक जो छोड़ा वही से हम आगे लेते हैं कि मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया, मेजर मेजर वाइल्ड लाइफ, जो बड़े वन्यजीव, मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेंचुरी इन इंडिया इज गिवन बिलो, जिसके बारे में हम नीचे अब अध्ययन करते हैं कौन कौन सी है उनकी हम अध्ययन करते हैं। देखिए नंबर वन हम बात करेंगे नागार्जुन सागर, सबसे बड़ी कौन कौन सी की बात करेंगे, मेजर नागार्जुन सागर सेंचुरी और ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर जो सेंचुरी है वो है आंध्र प्रदेश में। देन हजारीबाग, हजारीबाग वाइल्ड सेंचुरी बिहार में है। हजारीबाग सेंचुरी कहां पर है, बिहार। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, हजारीबाग बिहार। देन नाल सरोवर, नाल सरोवर वाइल्ड सेंचुरी ये है गुजरात। नाल सरोवर वाइल्ड सेंचुरी कहां पर है, गुजरात में। देन नेक्स्ट मनाली, मनाली नाम से ही पता है मनाली कहां पर है, किस स्टेट में है। मनाली है आपके हिमाचल प्रदेश, मनाली कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। तो यहां हम लिखेंगे मनाली बाय सेंचुरी, मनाली सेंचुरी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा सेंचुरी उत्तर प्रदेश, चंद्रप्रभा सेंचुरी उत्तर प्रदेश। देन केदारनाथ वाइल्ड सेंचुरी उत्तराखंड, केदारनाथ वाइल्ड
सेंचुरी उत्तराखंड, ठीक है। तो ये मैन मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया के अंदर, टोटल 515 है। टोटल जो टोटल सेंचुरी है वो कितनी है, 515। 515 में मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया वो है नागार्जुन, आंध्र प्रदेश में है, हजारीबाग बिहार में है, नाग सरोवर गुजरात, मनाली आंध्र प्रदेश, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश और केदारनाथ उत्तराखंड, ठीक है। ये मेजर है वाइल्ड लाइफ। अब इन मेजर के अलावा भी मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ राजस्थान, अब हम थोड़ी राजस्थान की बात कर ले, राजस्थान में कौन कौन सी बड़ी है, तो नेक्स्ट आप कैटिंग डाले मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मेजर वाइल्ड लाइफ, मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ राजस्थान, मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ राजस्थान। राजस्थान के बड़े अभयारण्य कौन से हैं, उनकी बात आपसे मैं इस वीडियो में बात करूंगा। देन अभी तक आपने मेजर सेंचुरीज पढ़ी थी, अब हम राजस्थान में कौन कौन सी मेजर है इनकी हम स्टडी करते हैं। तो देखिएगा, आपने नाम सुना है सरिस्का अलवर, सरिस्का अलवर जिसमें पाए जाते हैं डियर एंड गोडावर। आपने नाम सुना दर्रा, कोटा में है और दर्रा के अंदर पाया जाता है बघेरा। दर्रा किस लिए प्रसिद्ध है, दर्रे में है बघेरा, ठीक है। देन माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही जो सेंचुरी है उसमें आपके वाइल्ड कॉक जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। वाइल्ड कॉक जंगली मुर्गों के लिए फेमस है माउंट आबू सिरोही का सेंचुरी। देन ताल छापर चूरू, ताल छापर चूरू जहां पर ब्लैक डियर ज्यादा है, बहुतायत में पाए जाते हैं ब्लैक डियर। देन जवाहर सागर, जवाहर सागर कोटा में है जिसमें अधिकांश में पाए जाते हैं कोकोडाइल, मगरमच्छ पाए जाते हैं, घड़ियाल पाए जाते हैं। तो ये आपका कहां है, कोटा में। देन सीता माता, इनमें से बेटा एक क्वेश्चन जरूर आता है, सीता माता जो प्रतापगढ़ में है और इसमें फ्लाइंग स्क्वायरल जो उड़न गिलहरी है वो पाई जाती है। देन केला देवी करौली में है जिसमें बर्गर्स बैडगर्स, बैडगर्स मतलब बियर की तरह होता है, रीच रीच पाया जाता है बैडगर्स। देन नाहरगढ़ जयपुर जिसमें है लेपर्ड एंड जैकॉल, लेपर्ड कहते हैं तेंदुए को और जैकॉल कहते हैं सियार। तो ये ऐसे वाइल्ड एनिमल है जो इन मेजर सेंचुरी में पाए जाते हैं जो राजस्थान में है, ठीक है। तो नंबर वन हम लेते हैं सरिस्का, ठीक है। तो एक तरफ आप लेते हैं आपको सीरियल नंबर, देन नेम ऑफ सेंचुरी, सीरियल नंबर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेम ऑफ सेंचुरी और इसमें वाइल्ड लाइफ। नंबर वन पहली लेते हैं सरिस्का, सरिस्का कहां पर है, अलवर। सरिस्का सेंचुरी, सेंचुरी अलवर और इसमें है हिरण और घोड़ा, डियर एंड घोड़ा।
फर्स्ट सेंचुरी सरिस्का इन अलवर फेमस है डियर और गोडा के लिए, देन सेकंड दरा दर्रा माउंट आबू दर्रा माउंट आबू ताल छापर सीता माता मेला देवी जवाहर सागर ताल छापर ताल छापर केला देवी सीता माता जवाहर सागर एंड नाहरगढ़ नाहरगढ़ कहां पर है ठीक जवाहर सागर इन कोटा केला देवी करौली सीता माता प्रतापगढ़ ताल छापर चूरू माउंट आबू सिरोही दर्रा ठीक है। तो ये नेम ऑफ सेंचुरी एंड डिस्ट्रिक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा सेंचुरी है आपके सामने नाम लिख दिए हैं। अब हम बात करेंगे वाइल्ड एनिमल्स कौन सा एनिमल किस सेंचुरी में है। नंबर वन सरिस्का जो अलवर में है इसमें आपके डियर है और बूढ़ा है। देन दर्रा अभ्यारण्य कोटा में है। सरिस्का तो आपने देखा होगा बेटा कि जब हम अलवर जाते हैं ना अलवर पांडवपुर भरतपुरी ठीक है तो रास्ते में ही सरिस्का सेंचुरी पड़ता है। राजस्थान में रहती है तो हमें इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना भी चाहिए आपने देखा। तो सरिस्का के लिए क्या है डियर और घोड़ा डियर और घोड़ा तो डियर तो वहां बदल बहुतायत में पाए जाते हैं लेकिन गुड़ावनों की संख्या कम है। गुड़ावन हमारा राजस्थान का ही पक्षी है गुड़ावन जिसे हम स्टेट बन गए। नए दर्रा और दर्रा प्रसिद्ध है कोटा में बघेरा के लिए बघेरा कहा है ये दर्रा माउंट आबू तो दर्रा आपने देखा है कोटा से जब झालावाड़ जाते हैं तो कोटा से झालावाड़ रूट पर ये दर्रा पड़ता है दर्रा जहां ये भीड़ बहुत ज्यादा पाई जाते हैं बघेरे के लिए। माउंट आबू जो सेंचुरी है वो सिरोही में है और यहां अधिकांश में पाए जाते हैं वाइल्ड पॉ जंगली वाइल्ड पॉ के प्रसिद्ध है जंगली मुर्गी यहां पर बहुतायत में पाए जाते हैं। माउंट आबू सिरोही वाइल्ड पॉ जंगली मुर्गी ताल छापर चूरू ताल छापर चूरू में से क्वेश्चन देखो या तो मेचिंग वाले क्वेश्चन आता है कि मेक सर एक साइड आपको वाइल्ड लाइफ दे दिया एक साइड आपको सेंचुरी दे दी लेकिन वो कैसी होगी अनमेचिंग होगी बेमेल होगी उन्हें आपको मेल करना है
तो इस तरह के आपसे एक साइड आपको जैसे मान लो ये सेंचुरी दे दी, तरफ आपको स्टेट नाम दे दी, आपको इनको क्या करना है मैचिंग करना है। मैचिंग करने के लिए आप हमेशा उसके इक्वल में आप लिखें अपनी कॉपी के अंदर इक्वल कर, छोटी क्लास में तो क्या करते हैं वहीं से उनको एरो लगा के इधर का इधर उधर से इधर करके और मैच कर दिया, ऐसे नहीं करना है आपको। अब आप 10th क्लास में आ चुके हो तो 10th क्लास के स्टैंडर्ड के आधार पर ही आपको क्या है कि आंसर देना, ठीक है। ताल छप्पर चूरू, ताल छप्पर चूरू के अंदर आपके फाइनल में ब्लैक डी। सीता माता प्रतापगढ़ और सीता माता प्रतापगढ़ के अंदर है स्क्वायरल वुडन, जो ब्लाइंड स्क्वायरल स्क्वायरल एस लाइन स्क्वायर वुडन गैलरी, क्या कहते हैं वुडन गैलरी। देन केला देवी, और केला देवी में पाया जाता रीस जिसे कहते हैं वट बर्फ, काली मृग मेरे कहीं भी जंगली मुर्गे इसे केवल बघेरा, ये है हिरन मेरे हिरन बघोड़ा, जवाहर सागर कोटा इसमें आपके क्रोकोडाइल, जो मगरमच्छ पाए जाते हैं, नाहरगढ़ जयपुर जिसके अंदर लेपर्ड एंड जयपुर, नाहरगढ़ जयपुर इसमें आपके लेपर्ड है जयपुर, ये सियार है ये तेंदुआ, ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ है और ये सेंचुरी है, इनके बारे में मैं आपको बता रहा था कि यदि इस तरह से आपको सेंचुरी का नाम भी याद होना चाहिए और कौन सी सेंचुरी में कौन सा वाइल्ड लाइफ है इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है किसी भी प्रकार आपको मेच करते हुए आ सकते हैं, तो आप एक बार इनको जो कर ले एक बार पढ़ लेते हैं कि सरेश का अलवर, गरा कोटा, माउंट आबू सिरोही, ताछा पर चोरू, सीता माता प्रतापगढ़, केला देवी करौली, जवाहर सागर कोटा, नाहरगढ़। अब कौन सी सेंचुरी में कौन सा वाइल्ड लाइफ है इनको देखो और इस तरह इसको क्या मेची करके और ये क्वेश्चन आपका सेट होता है और आपको एग्जाम में इसी तरह मेज करना है। अब सेंचुरी आ जाए मेजर सेंचुरी इन इंडिया गिनीज से आ जाए या नेशनल पार्क आ जाए, अभी एक क्वेश्चन और इसी तरह का जिसे हम कहेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में से भी आपका मेची करने वाला या फिर सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका नीलगिरी है जो कर्नाटक से केरल तक फैला हुआ है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा, इन दोनों वीडियो जो आपको कल और आज का वीडियो आपको बताया ये नेशनल पार्क और सेंचुरी के ऊपर है, तो इस टोटल वीडियो को आप देखें तरीके से लर्न करें। आज की वीडियो में आपको मैं इतना ही बताऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जो ऑफलाइन आ रहे हैं वो अच्छी बात, अब मैं ऑफलाइन क्लास ही लूंगा बस, अब ऑफलाइन क्लास का भी टाइम होने वाला है तो जो ऑफलाइन लेंगे वो बहुत अच्छी बात, और जो नहीं ले पा रहे किसी कारण से वो घर पे रहकर स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।